पिछले कुछ दिनों से जानवी कपूर अपनी नई फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही के प्रमोशन में व्यस्त हैं। फिल्म में उनके एक्टिंग को दर्शकों ने खूब सराहा है। इसी दौरान फिल्म के प्रमोशन इवेंट में जानवी ने अपने पर्सनल लाइफ और फिल्मों से जुड़े कई दिलचस्प किस्से भी शेयर किए। इन खुलासों में से एक सबसे चौंकाने वाला था जानवी का पसंदीदा एक्टर। उन्होंने बताया कि वह इंडस्ट्री में पंकज त्रिपाठी की बहुत बड़ी फैन है और उनके साथ काम करने का मौका पाने के लिए उन्होंने एक अजीबोगरीब मन्नत भी मांगी थी। जानवी ने बताया कि फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में पंकज त्रिपाठी के साथ काम करने के लिए उन्होंने 10 से 12 दिनों तक पूरी तरह से शाकाहारी रहने की मन्नत मांगी थी। जी हाँ, जानवी की मन्नत पूरी हुई और उन्हें गुंजन सक्सेना में पंकज त्रिपाठी के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म में जानवी ने भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट गुंजन सक्सेना का किरदार निभाया था। वहीं पंकज त्रिपाठी उनके पिता का किरदार निभा रहे थे। जानवी कपूर वो नाम जिसने बॉलीवुड में धूम मचा दी है। 2018 में धड़क से डेब्यू करने वाली जानवी ने एक झटके में दर्शकों का दिल जीत लिया। ईशान खट्टर के साथ उनकी जोड़ी ऑन स्क्रीन भी खूब जमी और ऑफ स्क्रीन भी चर्चाओं में रही। धड़क के बाद जानवी के पास फिल्मों की लाइन लग गई। गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, रूही, गुड लक जैरी जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से सभी को चौंका दिया। इस सवाल का जवाब खुद जानवी ने ही एक इंटरव्यू में दिया था। उन्होंने बताया कि उनके सबसे पसंदीदा एक्टर शाहरुख खान है। बचपन से ही शाहरुख के अभिनय की दीवानी रही जानवी उन्हें अपना रोल मॉडल मानती है। जानवी कपूर बॉलीवुड के दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी और फिल्म मेकर बोनी कपूर की बड़ी बेटी है। एक्ट्रेस की पहली फिल्म रिलीज होने से पहले ही श्रीदेवी का निधन हो गया, जिसकी वजह से वो काफी दिनों तक सदमे में रही। वर्क फ्रंट की बात करें तो जानवी कपूर की पाइपलाइनों में कई बड़ी फिल्में हैं, जिसमें देवरा, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी और उलझ शामिल है। ऐसी ही न्यूज से अपडेट रहने के लिए वाहियात टॉक को सब्सक्राइब करें।